आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश सरकार के लघु उद्योग राज्य मंत्री चौधरी देवान सिंह और चग्निक्षण के लिए निकले। राज्य मंत्री चौधरी देवान सिंह ने सबसे पहले पश्चिमपुरी स्थित खादी ग्राम उद्योग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद राज्य मंत्री नुनिहाई स्थित जिला उद्योग केंद्र पहुंच गए। राज्य मंत्री के पहुंचते ही खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश सरकार के लघु उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़े। सबसे पहले राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह पश्चिमपुरी नारायण बिहार स्थित खादी ग्रामोद्योग के ऑफिस में पहुंचे। जैसे ही राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह कार्यालय पहुंचे, खलबली मच गई। राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने कार्यालय की जानकारी लेना शुरू कर दी। दोनों नाम तो नियम था, शुरू से देना, लेकिन दरअसल प्रजापति समाज के लोग मिट्टी से सामान बनाने का काम करते हैं। उनके लिए सरकार के द्वारा तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का लाभ ठीक तरीके से लोगों को मिल सके, इसके लिए राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे। तमाम सारी जानकारी राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने ली। राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह का कहना था कि माटी उद्योग का एक स्मारक बनाया जाएगा। देखिए, माटी कला बोर्ड पर सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। विश्वकर्मा योजना और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सरकार की बहुत विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। मिट्टी का बर्तन प्रयोग में व्यक्ति ला सके और मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आवश्यकता अनुसार चीज़ें बन सकें, इस पर सरकार का बेहद रुझान है। सक्रियता लाने के उद्देश्य से आज औचक निरीक्षण किया है, क्योंकि चार दिन की छुट्टी रही है। चार दिन के छुट्टी के बाद उदासीनता स्वाभाविक है, लेकिन कार्यालय पर मोटे रूप में सभी कर्मचारी और अधिकारी मुस्तैद मिले हैं, इससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह का काफिला यमुना पार नुनिहाई पहुंच गया। सबसे पहले राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति को चेक किया। इससे पहले आने जाने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। इस दौरान कई लोग अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित लोगों को खबर मिलते ही बीमारी का प्रार्थना पत्र भी पहुँचने लगा। राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने सख्त तेवर दिखाए। महीने भर से गए, दो महीने से भी गए हो, ये हो जाते हैं, झूठ बोलते हो। तमाम सारे लाभार्थियों को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से लाभ मिलता है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, इसके लिए कार्रवाई की बात कही है। मैंने और मेरे विधायक ने आदरणीय श्रीमान राम प्रताप सिंह जी चौहान, जिनके क्षेत्र में ये कार्यालय आता है, हम दोनों यहाँ आए हैं और औचक निरीक्षण किया। कुछ कमियाँ पाई गई हैं। कौन सा कार्यालय है? औद्योगिक क्षेत्र है ये, इंडस्ट्रीज से संबंधित, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, उद्योगों से समस्त औपचारिकताएं, कार्यवाही, योजनाएं यहां से परिपूर्ण की जानी चाहिए और की जाती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यालय है और यहां जो कमियां पाई गई हैं उनको जॉइंट कमिश्नर आ गई हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं। विधायक राम प्रताप सिंह चौहान का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मिलता है, इसी बात का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। माननीय मंत्री जी के द्वारा और मैं स्वयं साथ में आया हूं। हम लोगों ने यहां अभी औचक निरीक्षण किया है। कमियां अनेक तरह की हैं, कुछ लोग यहां उपस्थित नहीं हैं और उनकी ना एप्लीकेशन है, कुछ लोग समय पर नहीं आए हैं। जब उनको पता पड़ गया कि यहां पर मंत्री जी हैं, उसके बाद कुछ लोग आए हैं और स्वच्छता से संबंधित भी है कुछ बातें, वो सारी अभी जॉइंट कमीशनर आएंगे, उनको भी बताया गया है। तो जैसा बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिला उद्योग का जो कार्यालय, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यालय है, इससे गरीब आम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ इस तरह से लापरवाही बरतना ये ठीक नहीं है।
लेकिन अभी उनको बताया मंत्री जी ने भी अभी निर्देशित किया है कि इसको जो कमियां उसको सुधारें और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो होगी। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने खादी ग्रामोद्योग और जिला उद्योग केंद्र की साफ सफाई व्यवस्था को भी देखा, गंदगी मिलने पर सफाई कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र को लगाने का भी निर्देश दिया। जब तक राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह कार्यालय में मौजूद रहे, सभी की सांसें अटकी हुई थीं। उत्तर प्रदेश सरकार के लघु उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह औचक निरीक्षण के लिए कार्यालय पहुंचे। सबसे पहले खादी ग्राम उद्योग के कार्यालय पहुंचे, उसके बाद जिला उद्योग केंद्र पहुंचे। तमाम सारी कमियां मिली हैं, साथ ही राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने निर्देशित कर दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी जिससे आम जनता को राहत मिल सके। देखना होगा कि कितनी कठोर कार्रवाई हो पाती है और किस तरीके से व्यवस्थाएँ ठीक तरीके से चल पाती हैं या फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलेगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।